सभी पेरेंट्स और डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरी गुड मॉर्निंग। मैं मैथ लेक्चरर देवी सिंह आज आपके सामने फिर नया वीडियो लेकर के आया हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन से इनवर्स निकालना सिखाऊंगा कि रो ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला जाता है। ये आपका नया मेथड है इनवर्स निकालने का और इम्पोर्टेंट भी है। तो इसको ज़्यादा लंबा ये वीडियो नहीं है, परंतु इसे आप ध्यान से देखना। और मैं ये ही कहता रहा हूँ, जब भी आप किसी भी वीडियो को देखो तो उसे आप पूरा देखना, क्योंकि जब आप वीडियो ही पूरा नहीं देखोगे तो आपकी समझ में क्या आएगा। तो मैं इसमें आपको कराने वाला हूँ, यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेज। तो इसमें आपको इनवर्स आपको निकालना है। तो इनवर्स कैसे यहाँ निकलेगा भाई? यहाँ इनवर्स निकालने के लिए ये तो आपको पता है कि आपको स्क्वायर मैट्रिक्स की ज़रूरत होती है और मैट्रिक्स आपकी नॉन सिंगुलर होनी चाहिए, मैट्रिक्स आपकी सिंगुलर नहीं होनी चाहिए। यदि आपकी सिंगुलर मैट्रिक्स आती है तो डज नॉट एग्जिट हो जाता है आपका इनवर्स, वहाँ इनवर्स नहीं निकाला जा सकता सिंगुलर मैट्रिक्स में। और सिंगुलर मैट्रिक्स की जो कंडीशन होती है स्टूडेंट्स, मैं बार बार आपको बता चुका हूँ, सिंगुलर मैट्रिक्स होता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू जीरो, ये सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, यहाँ हम इनवर्स नहीं निकाल सकते। और यदि ए का डिटर्मिनेंट्स नॉट इक्वल टू जीरो होता है तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आपका होता है, तो यहाँ से आपका जो इनवर्स है वो निकाला जा सकता है। परंतु यह एलिमेंट्री ऑपरेशन का सिस्टम है, एलिमेंट्री ऑपरेशन में कैसे पता चलता है कि यहाँ इनवर्स निकाला जाएगा या यहाँ इनवर्स नहीं निकाला जाएगा? तो यहाँ दो तरीके के आपके क्वेश्चन होंगे, 2x2 ऑर्डर के भी और 3x3 ऑर्डर के भी। तो यहाँ देखिए, यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेज। फर्स्ट क्वेश्चन अपना देखिए, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। तो ये है आपका, लेट ए इक्वल टू, पहला जो स्टेप आपका है, यदि आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन से क्वेश्चन करना है, वहाँ से आपको इनवर्स निकालना है, तो आपको सभी मैट्रिक्स लेट ए इक्वल टू करके चलनी है। मोस्टली ए मानते हैं हम मैट्रिक्स को एलिमेंट्री ऑपरेशन में। तो यहाँ लेट ए इक्वल टू ये मैट्रिक्स आपका दिया हुआ है। इसके बाद होगा क्या स्टूडेंट्स, देखिए, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन का आप यूज़ करोगे इनवर्स निकालने के लिए। तो ये आपका पहला स्टेप है और ये आपको याद रखना है और इसे आप नोट कर लेना, इसे आप नोट भी कर लेना, ये हर एक क्वेश्चन में आएगा। ए इक्वल टू आई ए, हम जानते हैं कि ए इक्वल टू क्या होता है, आई ए होता है। क्यों होता है? देखिए, ए इक्वल टू आई ए, जब हम किसी भी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मेन मैट्रिक्स ही आपकी आ जाती है। तो हम ए को आई ए भी लिख सकते हैं। तो इस मेथड में हम सभी क्वेश्चनों में इस स्टेप को लेकर के चलेंगे, वी नो दैट ए इक्वल टू आई ए। तो इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, आपको करना क्या है, तो ये आपका आ जाएगा, वी नो दैट ए इक्वल टू आई ए, ए की वैल्यू आपको ये दी हुई है स्टूडेंट्स, ए की जगह हम ए लिख देंगे और आई की जगह यूनिट मैट्रिक्स ऑफ 2x2 ऑर्डर, आई डिपेंड करता है आपकी मेन मैट्रिक्स पर, यदि मेन मैट्रिक्स आपकी 2x2 ऑर्डर की है तो आपको यूनिट मैट्रिक्स भी 2x2 ऑर्डर की ही लेनी पड़ेगी, इनटू ए आपका सेम रहेगा। तो यहाँ आपको करना क्या है, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड में जो ये मैट्रिक्स है, इसमें आपका फोकस केवल इस बात पर होना चाहिए कि आपको जो लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी मैट्रिक्स दी हुई है, चाहे वो 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स दी हुई हो या वो आपको 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स दी हुई हो, हम लेफ्ट हैंड साइड में यूनिट मैट्रिक्स बनाते हैं। इसका मतलब आप लेफ्ट हैंड साइड में 0 1 0 0 1 ये मैट्रिक्स आप बनाओगे, और जैसे ही आपकी यहाँ ये मैट्रिक्स बन जाएगी तो राइट हैंड साइड में आपका तुरंत ही आपका इनवर्स आ जाएगा एलिमेंट्री ऑपरेशन से। तो यहाँ ध्यान से देखिए, 1 0 0 1 आपके माइंड में होना चाहिए कि 6 की जगह 1 बनना चाहिए, यहाँ 11 की जगह 0 बनना चाहिए, 1 की जगह 0 बनना चाहिए और 2 की जगह 1 बनना चाहिए। तो ऐसी हम ऑपरेटिंग करेंगे, ऐसी हम अप्लाइंग लगाएंगे जिससे 1 0 0 1 यहाँ आपका बन जाए। तो हम यहाँ पहली अप्लाइंग लगाएंगे, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, R1 टेंस टू
आर वन माइनस फाइव आर टू। देखो ध्यान से, तो फाइव आर टू जब आप करोगे तो आर वन ही चेंज होगा, तो आर वन, आर वन क्या है, आर वन है यहाँ, टू नहीं है ये, आर वन माइनस फाइव आर टू, तो आर वन है आपका जी सिक्स माइनस फाइव आर टू, आर टू की वैल्यू क्या है, आर टू की वैल्यू ये है, वन को फाइव से मल्टीप्लाई करो तो सिक्स माइनस फाइव वन आ जाएगा, तो ये इस तरीके से वन आया। फिर यहाँ देखिए आर वन कितना, एलेवन माइनस फाइव आर टू, फाइव आर टू, फाइव से मल्टीप्लाई करो टू की, कितना आएगा ये टेन आ जाएगा, तो फिर आपका ये भी वन आ जाएगा। तो हमने आर वन में ही अप्लाइंग लगाई, जो अप्लाइंग आपने लेफ्ट हैंड साइड में लगाई है सेम वही अप्लाइंग आपको इस राइट हैंड साइड में भी लगा देनी है। तो यहाँ आर वन माइनस फाइव आर टू, ये तो वन ही आ जाएगा, तो जीरो माइनस फाइव आर टू करोगे तो वन को फाइव से मल्टीप्लाई करो फाइव आएगा, जीरो माइनस फाइव आ जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, ये आपका सेम रहेगा। तो इसके बाद में ये जो सेम, तो ये आपका बन जाएगा, इससे आगे बढ़िए तो ये आपका आया, हमने यहाँ बना लिया वन 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 टू, परंतु हमें बनाना क्या, वन जीरो जीरो वन बनाना है आपको। अब फिर दोबारा अप्लाइंग लगाइए, अप्लाइंग आर टू टेंस टू आर टू माइनस आर वन, तो आर टू माइनस आर वन मतलब ये चेंज होगा केवल, और इधर ये चेंज होगा, आर वन में कोई भी चेंजिंग नहीं आने वाली है। तो आर टू माइनस आर वन, आर वन तो सेम लिख दिया जाएगा वन वन। अब देखिए आर टू माइनस आर वन, माइनस वन जीरो हो जाएगा, टू माइनस वन वन हो जाएगा, इधर देखो जीरो माइनस वन हो जाएगा, वन माइनस माइनस प्लस फाइव सिक्स हो जाएगा, और ए का एर यहाँ रहेगा, तो ये स्टेप आपका आ गया। अब देखिए हमको ये और जीरो बनाना है, तो ये जीरो कैसे बनेगा स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा अप्लाइंग आर वन टेंस टू आर वन माइनस आर टू, आर वन में से आर टू को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो आर वन में से आप आर टू को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आर वन ही चेंज होगा, आर टू तो सेम आ जाएगा आपका दोनों जगह लेफ्ट में भी और राइट में भी, तो वन माइनस जीरो वन हो जाएगा, वन माइनस वन ये जीरो हो जाएगा, और ये आपका आर वन माइनस आर टू करोगे वन माइनस माइनस प्लस वन टू हो जाएगा, माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस एलेवन, और आर टू आपका है स्टूडेंट्स आपका ही आ जाए। तो ये क्या आया आपका, इसने यहाँ सीधा लिख दिया है हैंस ए इनवर्स इक्वल टू ए, परंतु ये आपको सीधा नहीं लिखना है। अब देखिए हमने, हमारा रिजल्ट आया ये, यहाँ से इसने सीधा आंसर लिखा, ये क्या होता है, ये होता आई, क्या होता है स्टूडेंट्स, ये आई होता है इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ टू माइनस एलेवन, और ये यहाँ से फिर देखिए आप माइनस एलेवन, और ये माइनस का वन, और ये आपका सिक्स, ये है आपका, और इनटू ए, ए भी तो है पीछे आपका ए दिया हुआ है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप ए को आप इधर ले आओगे लेफ्ट हैंड साइड में, जब आप ए को लेफ्ट हैंड साइड में लाओगे तो ये मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा जब ये डिवाइड में आ जाएगा ऐसे इस तरीके से, तो आपका यहाँ आ जाएगा टू माइनस एलेवन, और ये आपका वन और सिक्स, और मैट्रिक्स को आप क्लोज करोगे तो ए की पावर वन है, जब आप इसे ऊपर लेकर के जाओगे तो ए इनवर्स इनटू आई आएगा, और इक्वल टू ये आपका राइट हैंड साइड रहने वाला ही है। अब ए इनवर्स को जब आप आई से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका ए इनवर्स ही आ जाएगा, इस तरीके से ए इनवर्स आपका टू माइनस एलेवन माइनस वन और सिक्स के इक्वल आपका आ गया है। इसने यहाँ से ये कैलकुलेशन करके आपको नहीं दिखाई है, ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका आया। इसी तरीके से आप सेकंड देखिए, लेट ए इक्वल टू दिया हुआ है, वी नो दैट आई इक्वल टू आई ए, तो ए की जगह यहाँ ए की वैल्यू रख ली जाएगी, आई की जगह यूनिट मैट्रिक्स। अब यूनिट मैट्रिक्स आपको यहाँ बनाना है, आप अप्लाइंग किसी भी तरीके से लगा सकते हो, जैसे आपकी मर्जी हो, जैसा भी अप्लाइंग आप लगाओगे वो सब सही होगा, आंसर आपका सेम आने वाला है। अप्लाइंग ऐसा नहीं है कि जो अप्लाइंग मैंने लगाई या जो अप्लाइंग यहाँ लगी हुई है वही अप्लाइंग आप लगाओ, आप किसी भी अप्लाइंग को लगा सकते हो, आपका आंसर जब भी सेम ही आएगा हर सिचुएशन में। तो यहाँ देखिए 1001 बनाना है, क्या करोगे, अप्लाइंग आर टू टेंज टू आर टू माइनस आर वन, तो आर टू चेंज करना है, आर वन तो चेंज करना नहीं है, आर टू माइनस आर वन थ्री वन तो है ही, तो फाइव माइनस थ्री टू आया, टू माइनस वन वन आया, ऐसे ही राइट हैंड साइड में आर वन तो सही रहेगा जैसा है, आर टू माइनस आर वन जीरो माइनस वन वन माइनस जीरो वन इन टू ए, ये आपका आ चुका है। इससे आगे स्टूडेंट्स देखिए, अब हम इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं आर वन में से आर टू को, तो थ्री माइनस टू करोगे वन आ जाएगा यहाँ, अप्लाइंग आर वन टेंस टू आर वन माइनस आर टू, थ्री माइनस टू वन आया, वन माइनस वन जीरो आया, तो वन प्लस वन टू आ जाएगा, जीरो माइनस वन आ जाएगा, आर टू आपका सेम रहेगा, तो ये स्टेप आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स। इससे आगे हम देखते हैं
कि 1021 आपका बन चुका है। अब आपको करना क्या है, यदि आपका ये भी जीरो हो जाए ये एलिमेंट, तो आपका इन्वर्स आ जाएगा। इसे जीरो करने के लिए हम क्या करेंगे, अप्लाइंग R2 टेंस टू R2 माइनस टू R1, मतलब R2 में से इसको 2 से मल्टीप्लाई करें R1 को और इसे सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 आएगा, नहीं आएगा, तो इस तरीके से ये आपका 0 आ जाएगा। देखो ये एलिमेंट्स, क्योंकि R2 आगे लिखा हुआ है तो R2 चेंज होगा, तो R2 माइनस 2 R1, ऐसे ही यहाँ R2 माइनस 2 R1, तो 1 माइनस 0 1 ही आ जाएगा। यहाँ R1 आपका सेम है, R2 माइनस 2 R1, तो 2 जा 4, माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो इसे, तो माइनस 2 और 1 माइनस माइनस प्लस 2 3 हो जाएगा, तो आपका ये आया, तो ये आपका आ चुका है। फिर इसने सीधा लिख दिया ए को, आप इधर ले आए ए इनवर्स, ये आपका आंसर आप लिख सकते हो वैसे सीधा भी, बाकी नहीं लिखना चाहते तो मैं आपको पहले क्वेश्चन में सॉल्व करा चुका हूँ कि ये सीधा ए इनवर्स यहाँ आता कैसे है। इसी तरीके से आपका थर्ड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट हो जाएगा सेम ऐसे ही होंगे, फोर्थ पार्ट भी आपका ऐसे ही हो जाएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में आपको यूनिट मैट्रिक्स बनानी पड़ती है, तो राइट हैंड साइड में आपका इन्वर्स आ जाता है। जो अप्लाइंग आपकी लेफ्ट हैंड साइड में लगती है वही अप्लाइंग आपको राइट हैंड साइड में भी लगानी होती है। अब इसमें क्या दिया हुआ है, एक बात और इसमें बतानी है कि यहाँ इन्वर्स कब नहीं निकाला जाता, इन्वर्स कब नहीं निकल सकता यहाँ। इन्वर्स निकालने के लिए तो ये प्रोसेस है ही, यदि अप्लाइंग लगाते लगाते आपका कोई भी रो या कोई भी कॉलम, चाहे वो आपका 2x2 ऑर्डर का हो या आपका 3x3 ऑर्डर का हो, मान करके चलिए लेफ्ट हैंड साइड में अप्लाइंग लगाते लगाते कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम आल जीरो हो जाता है, किसी भी रो के या किसी भी कॉलम के सभी एलिमेंट्स जीरो हो जाते हैं, तो वहाँ हम लास्ट में लिख देते हैं दस ए इनवर्स डज नॉट एग्जिट, वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। तो ये आपका मेथड होता है एलिमेंट्री ऑपरेशन में, जब आपका ए इनवर्स नहीं निकाला जाता, तो ए इनवर्स किस कंडीशन में नहीं निकाला जाता, यदि कोई भी रो या किसी भी कॉलम के टोटल एलिमेंट्स, मतलब किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के टोटल एलिमेंट्स आपके 0 0 0 हो जाएंगे, तो आपका ए इनवर्स डज नॉट एग्जिट करेगा। तो इससे आगे देखिए, इससे आगे के जो आपके क्वेश्चंस हैं, यहाँ देखिए, हाँ ये आ चुका है क्वेश्चन, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, एट्थ पार्ट है इसका, लेट ए इक्वल टू आपका दिया हुआ है वी नो दैट, तो इसमें वी नो दैट ए इक्वल टू आई ए, तो ए इक्वल टू आई ए जब आप करोगे तो ए की जगह आपकी ए की वैल्यू रखी जाएगी, आई की जगह यूनिट मैट्रिक्स ऑफ 2x2 ऑर्डर इनटू ए, तो यहाँ क्या करोगे आप लेफ्ट हैंड साइड में आप यूनिट मैट्रिक्स बनाओगे, जैसे मैंने आपको हर क्वेश्चन में आपको बताया है, तो अप्लाइंग R1 टेंस टू R2, इसका मतलब होता है जो दोनों तरफ ये एरो का निशान होता है ना, तो ये क्या होता है, तो इसमें हम करते हैं कि R1 की जगह तो R2 को लिखा जाएगा और R2 की जगह R1 को, देखिए R1 आपका 6-3, इसको सेकंड रो में लिख दिया जाएगा और सेकंड रो को फर्स्ट रो में लिख दिया जाएगा। जो अप्लाइंग आप लेफ्ट हैंड साइड में लगाते हो वही अप्लाइंग आपकी राइट हैंड साइड में भी लगेगी, 01 ऊपर लिखा जाएगा 10 नीचे लिखा जाएगा इनटू ए आपका हो ही जाएगा। इसके बाद में देखिए आप अप्लाइंग लगाओगे तो यहाँ आपका आएगा, देखिए अप्लाइंग R2 टेंस टू R2 प्लस 3R1, जब आप इस अप्लाइंग को लगाओगे R2 प्लस 3R1 तो आपका R2 ही चेंज होगा, तो देखिए 3R1 3 से मल्टीप्लाई करो इसे माइनस 2 को, तो क्या आएगा माइनस 6 आएगा, जब आप R2 में R1 को आप प्लस करोगे तो प्लस 6 माइनस 6 ये 0 हो जाएगा, फिर आप इसे यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 3 फिर ये 0 हो जाएगा, फिर यहाँ राइट हैंड साइड में भी आप अप्लाइंग करिए R2 प्लस 3R1, 3 से 0 को मल्टीप्लाई करो 0 आएगा, तो ये 1 ही हो जाएगा, जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे आप 1 को यहाँ तो 3, तो 0 प्लस 3 3 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए R2 क्या हो गया, R2 के दोनों एलिमेंट्स क्या हो गए 0 हो गए, तो क्या लिखा है इसने, हेयर वी ऑब्जर्व दैट द सेकेंड रो इन द लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स हैज ऑल जीरोज, हेंस ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो स्टूडेंट्स ये होता है आपका रूल,
जब यहाँ ए इनवर्स नहीं निकाला जाता, मैट्रिक्स चाहे आपकी 2x2 ऑर्डर की हो या मैट्रिक्स आपकी 3x3 ऑर्डर की हो, ये डज नॉट एग्जिट का ये ही आपका रूल होता है इसमें। तो इससे आगे देखिए, सेम वही प्रोसेस है, केवल यहाँ कितना डिफरेंस दिया गया है इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में, जो भी पार्ट इसके दिए हुए हैं, यहाँ केवल 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स, आप लेफ्ट हैंड साइड में यूनिट मैट्रिक्स बनाने के लिए मैक्सिमम आप 2 अप्लाइंग लगा सकते हो। यदि आप 2 अप्लाइंग एक साथ नहीं लगा सकते, तो आप एक एक अप्लाइंग लगा करके भी क्वेश्चन को कर सकते हो। क्वेश्चन आसान तो हो जाएगा, परंतु उसकी कैलकुलेशन थोड़ा जो है क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। बाकी कोई भी डिफरेंस उसमें पढ़ने वाला नहीं है, आंसर भी सेम वही आना है। यदि आपको ऐसा लगता है कि 2 अप्लाइंग लगाते समय हमसे कोई गलती हो जाएगी, तो आप एक बार में एक अप्लाइंग भी लगा सकते हो। तो इसके बाद आप देखिए तो क्या आएगा, यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन है, बस अंतर किसका है, 3x3 ऑर्डर का। तो लेट ए इक्वल टू, ये दिया हुआ है, वी नो दैट ए इक्वल टू आई ए, ये आ गया ए की जगह ए की वैल्यू, आई की जगह आई की, ए की जगह ए की वैल्यू, यहाँ आर वन इंटरचेंज आर टू, तो आर वन इंटरचेंज आर टू किया है, आर वन को आर टू की जगह लिख दिया है, आर टू को आर वन की जगह लिख दिया गया है। तो देखिए ऐसे राइट हैंड साइड में जो फर्स्ट रो है उसे सेकंड रो में लिख दिया है, और जो सेकंड रो है उसे फर्स्ट रो में लिख दिया गया है। यहाँ ध्यान से देख लेना। इससे आगे देखिए क्या करना है, जब आगे हम बढ़ेंगे अप्लाइंग, अब आपको यहाँ यूनिट मैट्रिक्स बनानी है। तो भाई सीधी सी बात है, पहले भी मैं आपसे कहता रहा हूँ कि यहाँ आपको यूनिट मैट्रिक्स जैसे ही आपकी बन करके कंप्लीट होगी, तो राइट हैंड साइड में आपका इनवर्स आ जाएगा। तो अप्लाइंग लगाई आर थ्री टेंज टू आर थ्री माइनस थ्री आर वन, तो आर थ्री माइनस थ्री आर वन जब आप लगाओगे तो केवल आर थ्री को चेंज किया जाएगा, यहाँ भी और यहाँ भी, आर वन और आर टू में कोई भी चेंजिंग आपकी नहीं आने वाली है। तो ये अप्लाइंग लगने के बाद में आपका ये आ जाएगा। उसके बाद में आपकी अप्लाइंग देखिए 100 21 माइनस 5 32 माइनस 8, अब क्या करना है, अब यहाँ अप्लाइंग लगाई आर थ्री टेंज टू आर थ्री प्लस 5 आर टू, ध्यान से देखना, फिर आर थ्री ही चेंज होगा क्योंकि आर थ्री लिखा हुआ है। अब देखिए आर थ्री आपका 0 प्लस 5 आर टू, 5 से मल्टीप्लाई करो 0 को, तो 0 मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये 0 ही आएगा, नहीं आएगा, ये आ गया 0। इसके बाद देखिए आर थ्री माइनस 5 है प्लस 5 आर टू, तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करो और ऐड करो, तो माइनस के 5 प्लस के 5, फिर ये 0 आ जाएगा। फिर देखिए आर थ्री कितना है, माइनस 8 है। फिर देखिए यहाँ प्लस 5 आर टू, प्लस 5 आर टू, 2 से मल्टीप्लाई करो 5 की, 10 आएगा, प्लस का 10 माइनस का 8, 2 आ जाएगा, तो ये आ चुका है। इसी तरीके से आप यहाँ भी आप अप्लाइंग लगाओगे तो आर थ्री प्लस 5 आर टू, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करो, इसमें से जोड़ो तो ये 5 आ जाएगा, यहाँ इसे 5 से मल्टीप्लाई करोगे 0 को तो 0 रहेगा, तो माइनस का 3 आ जाएगा, तो ये 1 ही आ जाएगा। तो इस तरीके से अप्लाइंग लगाई। उसके बाद में स्टूडेंट्स आपको करना क्या है, अप्लाइंग आर थ्री टेंस टू 1/2 आर थ्री, तो जो ये आर थ्री है इसे 2 से डिवाइड कर दिया गया है, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। तो जब आप इसे 2 से डिवाइड करोगे तो आर वन और आर टू तो सेम रहेंगे, आर थ्री को 2 से डिवाइड किया, 0 0 1 आपका आ जाएगा। इधर देखिए 0 1 0 कोई चेंजिंग नहीं है, 1 0 0 कोई चेंजिंग नहीं है, यहाँ आपको 2 से डिवाइड करना हर एक एलिमेंट्स जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड में किया था, तो 5/2 माइनस 3/2 1/2 ये आपका आ जाएगा। उसके बाद में स्टूडेंट्स देखिए हमको इसकी जगह 0 करना है, इसकी जगह 0 करना है, इसकी जगह 0 करना है, तो 3 एलिमेंट्स और आपको 0 करने, उसके बाद में आपका इनवर्स निकल आएगा। अप्लाइंग आर वन टेंस टू आर वन माइनस 3 आर थ्री, तो आर वन में चेंजिंग होगी स्टूडेंट्स, आर वन माइनस 3 आर थ्री, देखो 1 माइनस 3 से मल्टीप्लाई 0 को करोगे 0 ही आएगा, तो 1 का 1 रहेगा। फिर यहाँ देखिए ये 2 का 2 रहेगा, जब आप आर वन में से इसे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, देखिए आर वन 3 है माइनस 3 आर थ्री कितना 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स आर वन आपका कितना है 3 है, आर वन जो है आपका आर वन टेंस टू आर वन माइनस 3 आर थ्री किया गया है, तो आर वन आपका 3 माइनस 3 आर थ्री, तो ये 3 माइनस 3 आपका 0 हो जाएगा। तो देखो ये 0 एलिमेंट्स आ गया, जो हमने लेफ्ट हैंड साइड में ये अप्लाइंग लगाई थी स्टूडेंट्स, ये अप्लाइंग सेम
आपकी राइट हैंड साइड में लगनी है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे लगाते हैं, फिर देखिए ध्यान से, ये R1 है। अब देखो ये आपका R1 दिया हुआ है, अब R1 की वैल्यू यहाँ क्या है, जीरो है, देखना ध्यान से, माइनस थ्री। आर थ्री कितना है, आर थ्री कितना है आपका, फाइव बाई टू है, तो फाइव बाई टू से हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये देखिए कैंसिल तो ऊपर नीचे होता नहीं है, तो माइनस फिफ्टीन बाई टू आएगा नहीं आएगा, इस तरीके से ये आपका है, इसी तरीके से ये, इसी तरीके से ये। तो इसे सॉल्व करने के बाद आगे बढ़ते हैं, तो आपका जो आएगा सिस्टम वो आपका ये बनेगा, अप्लाइंग आर टू टेंस टू। अब आपको क्या करना है, आपको इस एलिमेंट को जीरो करना है और इस एलिमेंट को जीरो करना है। अब ये जीरो कब बनेंगे, आर टू में ये जीरो कब बनेगा, ये जीरो बन जाएगा आर टू टेंस टू आर टू माइनस टू आर थ्री। भाई यदि हम इसे टू से मल्टीप्लाई कर दें वन को और इसमें से हम इसे मतलब सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये जीरो बनेगा नहीं बनेगा, तो आर टू टेंस टू आर टू माइनस टू आर थ्री, तो आर वन में कोई चेंजिंग नहीं, आर टू में आपकी चेंजिंग हो जाएगी, टू से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है, जीरो का जीरो आएगा, जब जीरो से मल्टीप्लाई करोगे टू से तो जीरो ही रहेगा, तो वन का वन आ जाएगा, वन से मल्टीप्लाई करोगे टू से टू वन जा टू, टू माइनस टू ये जीरो हो गया, ये आपका सेम है। तो आपका केवल आर टू चेंज होगा, ना तो आर वन में कोई चेंजिंग आने वाली है और ना ही आर थ्री में आपकी कोई चेंजिंग आएगी। उसके बाद में स्टूडेंट्स आपको ये जो टू दिया हुआ है ये और जीरो करना है, ये टू जीरो कैसे होगा, आर वन टेंज टू आर वन माइनस टू आर टू, भाई इसे यदि आप टू से मल्टीप्लाई कर दें वन को, टू में से टू को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये जीरो आ जाएगा। इस अप्लाइंग को लगाने के बाद आपका यहाँ यूनिट मैट्रिक्स बन जाता है, तो इधर ए को इधर ले आओगे तो ए इनवर्स हो जाएगा, ये आपका आंसर रहेगा। तो इसमें जो क्लियर होकर के जो बात निकलती है वो यही है कि आपको ए इक्वल टू आई ए लेकर के चलना है, जो मैट्रिक्स भी आपकी लेफ्ट हैंड साइड में दी हुई हो उसमें आप ऐसे अप्लाइंग लगाते चले जाइए जिससे वो एक यूनिट मैट्रिक्स बन जाए, और जैसे ही आपकी लेफ्ट हैंड साइड में कोई यूनिट मैट्रिक्स बनेगी तो राइट हैंड साइड में आपका इन्वर्स आ जाएगा। इसी तरीके से कोई प्रोसेस अलग है ही नहीं, तो जैसा आपको लगता है कि किसी मैट्रिक्स को हमें डिवाइड करना है किसी नंबर से, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी डिवाइड होगा, राइट हैंड साइड में भी डिवाइड होगा। यदि आपको लगता है हमें किसी से मल्टीप्लाई करना है किसी रो को, तो आप लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करोगे तो राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करोगे। यदि आपको लगता है कि हमको कोई दो रो सब्ट्रैक्ट करनी है या हमको ऐड करनी है, ये आपकी मर्जी है, आपके माइंड में केवल एक ही बात होनी चाहिए कि किसको, इस लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के कि हमको यहाँ यूनिट मैट्रिक्स बनानी है 100 010 001, और राइट हैंड साइड में आपका अपने आप मैट्रिक्स बनता चला जाएगा। तो ये अप्लाइंग आर वन टेंस टू वन बाई टू आर वन, तो क्या किया, टू से डिवाइड कर दिया आर वन को शुरुआत में ही, तो टू से डिवाइड किया आर वन को, तो केवल आर वन चेंज हुआ है, आर टू और आर थ्री सेम रहेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट्स देखिए आगे बढ़ते हैं, आर टू टेंस टू आर टू माइनस फाइव आर वन, तो आर टू माइनस फाइव आर वन जब आप करोगे तो आर टू में से आर वन को सब्ट्रैक्ट करिए फाइव से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ पर केवल आर टू ही चेंज होगा, आर टू चेंज हुआ है, आर वन और आर थ्री में कोई चेंजिंग नहीं आई है। उसके बाद अप्लाइंग आर थ्री टेंस टू आर थ्री माइनस आर टू, इसमें से इससे आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे आर थ्री में से तो वन माइनस वन आपको पता है जीरो ही हो जाएगा, तो ये ऐसे ही बना रहा है 10 - 1/2 0 1 5/2 0 0 1/2। अब आपको यहाँ 1 बनाना है, यहाँ 0 बनाना है, यहाँ 0 बनाना है, तो आपका इन्वर्स आएगा नहीं आएगा, इन्वर्स आपका आ जाएगा। तो उससे आगे देखिए, अब की बार इसने दो अप्लाइंग एक साथ लगा दिए, आर वन टेंस टू, देखिए इसे थोड़ा नीचे ले लेते हैं, तो ये आपका आएगा अप्लाइंग आर वन टेंस टू आर वन प्लस आर थ्री, आर वन आर थ्री को ऐड कर दिया है, तो पहले तो आप आर वन को चेंज करिए, तो वन प्लस जीरो वन आ जाएगा, जीरो प्लस जीरो जीरो आ जाएगा। उसके बाद में माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई टू, ये भी आपका जीरो आ जाएगा। उसके बाद में देखिए एंड आर टू टेंस टू आर टू माइनस फाइव आर थ्री, अब की बार आर टू यहाँ चेंज होगा, आर टू चेंज होगा, फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे आर थ्री को और आर टू में से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जीरो का जीरो आ जाएगा। इसके बाद में देखिए वन माइनस फाइव की जब मल्टीप्लाई करोगे आप जीरो से तो जीरो, तो ये भी वन आ जाएगा। जब फाइव से आप मल्टीप्लाई करोगे इसको आर थ्री को, तो ये फाइव बाई टू, अब फाइव बाई टू माइनस फाइव बाई टू, ये भी आपका जीरो हो जाएगा, और ये आपका सेम है आर थ्री। जो अप्लाइंग आपने लेफ्ट हैंड साइड में लगाई वही अप्लाइंग सेम आपके राइट हैंड साइड में भी लगेगी, मैं बार बार आपको कहता आ रहा हूँ। इसके बाद में आप देखिए अप्लाइंग आपको करना है, अप्लाइंग करने के लिए आर थ्री टेंस टू टू आर थ्री, अब ध्यान से देखो आर थ्री जो है
इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, 0 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो 0 आएगा, जब 1 बाई 2 को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे 2 से, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आएगा नहीं आएगा। इसी तरीके से यहाँ भी आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा माइनस 5 आ जाएगा, माइनस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस 2 आ जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आ जाएगा इन टू ए। अब यहाँ देखना ध्यान से, ये I3 नहीं बन गया है, ये यूनिट मैट्रिक्स ऑफ 3x3 ऑर्डर बन गया, तो ए को इधर ले आओ तो ए इनवर्स की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी और यही आपका आंसर रहेगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, लेट ए इक्वल टू ए इक्वल टू आई ए करना है और बिल्कुल सेम है, आपको एक साथ एक अप्लाइंग भी लगा सकते हो, दो अप्लाइंग भी आप लगा सकते हो। आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसे यूनिट मैट्रिक्स बनाना है, ये आपका यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगा। राइट हैंड साइड में जो भी मैट्रिक्स आपका बनेगा वो आपका ए इनवर्स हो जाएगा। मैं आपको फिर बता देता हूँ, जब आप ए को लेफ्ट हैंड साइड में लाओगे तो ये ए इनवर्स हो जाएगा, ये आई की वैल्यू है ही, और ये राइट हैंड साइड में आपकी जो मैट्रिक्स है ये दी हुई है। ए इनवर्स को जब आप आई से मल्टीप्लाई करोगे तो ए इनवर्स ही आएगा, इस वजह से इसने ये सीधा ही लिख दिया है। तो इससे आगे स्टूडेंट्स देखिए, ये फोर्थ पार्ट है, ये भी ऐसा ही है, इसमें कोई चेंजिंग ही नहीं है, यदि कोई चेंजिंग होती तो मैं आपको बता देता। अब फिफ्थ पार्ट है, इसमें भी आप ए इक्वल टू आई ए ले करके चलोगे, तो ए इक्वल टू आई ए ले करके चलोगे तो यहाँ आपको यूनिट मैट्रिक्स बनाना है। यूनिट मैट्रिक्स बनाने के लिए आपको अप्लाइंग करनी पड़ेगी। आपके माइंड में एक बात होनी चाहिए कि आपको यहाँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1 कैसे बनाया जाए, तो आपको ये करना है। इसे करने के बाद आपका यहाँ जो भी है यूनिट मैट्रिक्स बनेगा अप्लाइंग लगाने के बाद, तो यूनिट मैट्रिक्स आपका बनेगा तो यहाँ आपका इनवर्स आ जाएगा। उसके बाद में जो है जो सिक्स्थ पार्ट आपका दिया हुआ है अपने आप ट्राई कर लेना। सेवन्थ जो पार्ट है आपका, लेट ए इक्वल टू दिया हुआ है, ए इक्वल टू जो आपका दिया हुआ है ये है 2 माइनस 3 3 2 2 3 3 माइनस 2 2, ये आपका दिया हुआ है। इसे को हम फिर जब एलिमेंट्री ऑपरेशन का आप यूज करोगे तो ये आपका आ जाएगा, वी नो दैट ए इक्वल टू आई ए, ए की जगह ए की वैल्यू, आई की जगह यूनिट मैट्रिक्स, ए की जगह ए की वैल्यू। यहाँ अब इसमें आप ऐसे अप्लाइंग लगाइए जिससे यूनिट मैट्रिक्स आपकी लेफ्ट हैंड साइड में बन जाए। जब आपकी यूनिट मैट्रिक्स लेफ्ट हैंड साइड में बनेगी तो आपको यहाँ 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही बताया है, आप मल्टीप्लाई करो किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में, यहाँ तो रो ट्रांसफॉर्मेशन है तो आपको रो में ही करना पड़ेगा, कॉलम का तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं बनता है मल्टीप्लाई डिवाइड करने का। और मल्टीप्लाई करनी है तो मल्टीप्लाई करो, और आपको डिवाइड करना है तो डिवाइड करो, जो भी है, परंतु आपको एक यूनिट मैट्रिक्स आपको बनाना है। यूनिट मैट्रिक्स बनाने के लिए आपको डिवाइड मल्टीप्लाई सबट्रैक्ट ऐड सब कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ आपका क्या आएगा स्टूडेंट्स, 2 से यहाँ डिवाइड कर दिया R1 को, तो R1 को 2 से डिवाइड करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में केवल R1 चेंज होगा। उसके बाद में R2 टेंज टू R2 माइनस 2 R1, यहाँ केवल R2 चेंज होगा। फिर पीछे देखो R3 टेंज टू R3 माइनस 3 R1, ये अप्लाइंग, दो अप्लाइंग एक साथ लगा दिए। अप्लाइंग लगाने के बाद में स्टूडेंट्स आपका यहाँ देखिए ये आया, अप्लाइंग R2 टेंज टू 1/5 R2, 5 से डिवाइड किया R2 को, तो 5 से जब 5 डिवाइड होगा 1 हो जाएगा, ऐसे राइट हैंड साइड में किया। फिर R1 टेंज टू R1 प्लस 3/2 R2, तो ये अप्लाइंग लगाने के बाद में थोड़ा टफ है, जब आप करके देखोगे तो ये आपका आ जाएगा। यहाँ अप्लाइंग करते करते यहाँ आपका ये यूनिट मैट्रिक्स बन जाता है, और राइट हैंड साइड में जब आप अप्लाइंग लगाओगे तो आपका ये आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, ये तो आपका आई हो गया, ए को आप इधर लाओगे तो ये ए इनवर्स हो जाएगा, ये आपकी जो वैल्यू है ये इसमें लिख दी जाएगी, ए इनवर्स इंटू आई, आपका ए इनवर्स ही होता है इक्वल टू, ये आपका आंसर है। तो ये आपकी एक्सरसाइज मैं बता देता हूँ 5.3 एक्सरसाइज थी प्लस 2 क्लास के मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए, तो आपको ये ध्यान से करनी है। कैलकुलेशन इसमें टफ ज़रूर है, परंतु इसमें किसी भी फॉर्मूले का ऐसा यूज नहीं हुआ है जिसे आप भूल पाओ। तो आपको स्टूडेंट्स ये वीडियो कैसा लगा, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। पहली ही तरह इसी वजह से कहा जाता है जिससे हम अगले वीडियो आपके पास लेकर के आएँ, और सभी को अपना जो काम है
नोटबुक वगैरह, कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करता है बच्चा, या कोई प्लस टू एग्ज़ाम की तैयारी करता है, या और कोई किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें ये मैट्रिक्स आती हो, आप इसे ध्यान से देखें। थैंक यू।